बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। अक्सर ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स क्या है, हिस्टोरिकल को डायक्रॉनिक क्यों कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव को साइक्रॉनिक क्यों कहते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के क्या क्या डोमेन हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं और लैंग्वेज में किस तरीके से चेंज आता है और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, एक्सेट्रा। आज की इस वीडियो में 20 मार्क्स का ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, इसको कवर करेंगे। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले YouTube पे मैं आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ, BS English Literature Notes का YouTube पे मेरा ये चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। और अच्छी बात ये है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एज ऑफ जॉफरी चौसर की जब ये वीडियो देख लेते हैं तो जो नोट्स PDF इस वीडियो में शो किया गया है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आ गया तो डेफिनेशन लिंग्विस्टिक्स की आएगी सबसे पहले, कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज। उसके बाद आप बताएंगे कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर दो मेजर ब्रांचेज हैं जो आपस में कंट्रास्टिव ब्रांचेज हैं, जिनको हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। इनको फर्डिनेंड डिसोशन ने डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स और सिंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहा गया था। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स को सिंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज थ्रू कोर्स ऑफ टाइम कैसे चेंज हुई, यानी कि लैंग्वेज की इब्तदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तसव्वुर करते हैं कि कोई लैंग्वेज है जो आज से 1000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, तो 1000 साल से उसकी जो चेंजेस आई हैं वो लेकर अब तक पढ़ने को हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इसको डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। डायक्रॉनिक का लिटरेरी मीनिंग भी हिस्ट्री कॉलिंग है। इसके ऑपोजिट है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि करंट टाइम के अंदर, करंट सिचुएशन के अंदर, प्रेजेंट के अंदर जो लैंग्वेज मौजूद है उसके अंदर क्या चेंजेस हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या इश्यूज हैं। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो मौजूदा हालत में या मौजूदा वक्त के लिए हमें जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है कि पिछले 10 दिनों में या पिछले 10 सालों के अंदर जो लैंग्वेजेस के अंदर चेंज आए, वो इसके अंदर हम लैंग्वेज के चेंजेस को पढ़ते हैं, जो प्रेजेंट के अंदर लैंग्वेज मौजूद है उसको पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम हिस्टोरिकली भी लैंग्वेज के चेंजेस को पढ़ें, लेकिन हिस्टोरिकल, जिसको हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, उसके अंदर नेसेसरी है कि लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा जाए। अब डोमेन देख लेते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के। जब हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करते हैं, हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हैं, ये ब्रांच जो है वो लिंग्विस्टिक्स के कौन कौन से एस्पेक्ट पर फोकस करती है। सबसे पहले ये फोकस करती है कि जो दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं उनका आपस में कनेक्शन क्या है, क्या एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से मिलती है, क्या हिंदी और उर्दू एक दूसरे से मिलती हैं। इसके बाद ये स्टडी करता है कि वो हिस्ट्री के अंदर डेवलप कैसे हुई, उनकी लैंग्वेजेस की जब से इब्तदा हुई, जब से उनका यूज स्टार्ट हुआ, कहाँ से पहला उनका रिटर्न वर्क मिला, वो सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, जो एक लैंग्वेज या बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा जाता है वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में आता है। इसके अलावा इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि लैंग्वेज थ्रू आउट टाइम पीरियड किस तरीके से इवॉल्व हुई और जो इवॉल्व होने में टाइम लगा उसमें क्या क्या चेंजेस आए। इसके अलावा ये पढ़ा जाता है कि अगर आज की तारीख के अंदर 300 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं या 1000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो ये लैंग्वेजेस निकली कहाँ से है, पेरेंट लैंग्वेज इनकी कौन सी थी, यानी कि कौन सी ज़बान कहाँ से निकली है। जैसे कहा जाता है कि उर्दू जो है ये उर्दू, हिंदी ये संस्कृत से निकली हैं, संस्कृत मदर टंग थी, उसके बाद तुर्किश उसमें से निकली, उर्दू निकली, हिंदी निकली, तो ये ज़बानें वहाँ से कहा जाती हैं कि संस्कृत से निकली हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्टडी किया जाता है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो कल्चरल इम्पैक्ट क्या है लैंग्वेज के ऊपर, या सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या है लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है, या कौन कोई डिफरेंस पैदा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, या इवैल्यूएशन हो रही है, तो उसमें कल्चर का रोल क्या है, यानी कि सोसाइटी का रोल क्या है। अगर हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन देखें तो जोसेफ ने दी है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट इज़ कंसर्न विद लैंग्वेज चेंजेस इन जनरल एंड चेंजेस इन स्पेसिफिक, यानी कि हम जनरल जो चेंजेस आते हैं लैंग्वेज में उनको भी स्टडी करते हैं, और अगर हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के स्पेसिफिक चेंजेस को पढ़ें तो वो भी आता है इसके अंदर। इसके अलावा हम स्टडी करते हैं
कि इन पर्टिकुलर विद डिस्क्राइबिंग देम हम उसको पर्टिकुलर यानी कि बहुत ही एहतियात से उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको कैटलॉग करते हैं यानी कि उनको तरतीब देते हैं और अल्टीमेटली उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स से किस तरीके से रलती मिलती या मिलती जुलती है, ये डायक्रॉनिक और सिंक्रियोनिक की भी बात है क्योंकि फर्डिनेंड डिसॉर्शन ने सिर्फ टर्म चेंज की है। जो हमारे पास दो ब्रांचेज लिंग्विस्टिक्स की मौजूद हैं जिनको हम ये कहते हैं हिस्टोरिकल जो है वो डायक्रॉनिक भी कहलाती है और डिस्क्रिप्टिव जो है वो सिंक्रियोनिक भी कहलाती है। इनके अंदर जो मेजर पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको बताती हूँ। लैंग्वेज अगर हमने सिंक्रियोनिक तरीके से पढ़ना है यानी कि प्रेजेंट टाइम पे लैंग्वेज की क्या सिचुएशन है ये पढ़ना है तो उसके अंदर हमें अक्सर ये होता है कि हिस्ट्री से थोड़ी सी मदद लेनी पड़ती है कि हिस्ट्री के अंदर क्या थी और अब क्या है। तो हमें डायक्रियोनिक जो सिंक्रियोनिक है वो डायक्रियोनिक पे इस तरह से डिपेंडेंट है। इसके अलावा सिंक्रियोनिक लैंग्वेज के अंदर यानी कि मौजूदा दौर की लैंग्वेज के अंदर जो चेंजेस आए हैं या वेरिएशंस आए हैं वो हमें पता लगते हैं डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक्स को पढ़ने के बाद। इसके अलावा हमें पता लगता है कि लैंग्वेज जो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है वो जितने भी पॉइंट्स क्लियर किए जाते हैं वो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स से कंपेयर करके सिंक्रियोनिक लिंग्विस्टिक्स में बनते हैं। लैंग्वेज के अंदर बहुत तरीके से बहुत वजहों की वजह से चेंज आते हैं जो हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लैंग्वेज रातों रात तब्दील नहीं होती बल्कि ये स्टैटिक चेंज है और ग्रेजुअल चेंज है। इसके अंदर आराम आराम से तब्दीली आती है। जो लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश मौजूद है अगर हम उसका बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसकी स्टडी करें तो ये पॉइंट हमारे सामने आता है कि मिडिल एजेस के अंदर जब ग्रीक लोगों ने इसके अलावा रोम के लोगों ने सिल्ट्स लोगों ने जब इंग्लैंड के अंदर अपने कदम जमाए तो वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश का आगाज़ किया। आपको पता है कि एंग्लो सैक्सन के टाइम पीरियड के अंदर ओल्ड इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता था, फिर टाइम गुजरा एंग्लो नॉर्मन आ गए जिन्होंने मिडल इंग्लिश का इंट्रोडक्शन कराया, लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर बदला, उसकी बोलने के अंदाज़ वर्ड्स बदले, जर्मन लैंग्वेज से इटालियन लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हुआ। इसके बाद रेनेसा का टाइम पीरियड आ गया जिसमें लैंग्वेज और ड्रास्टिकली चेंज हुई। दुनिया बदल रही थी तो लैंग्वेज क्यों ना बदलती, नए लफ्ज़ों नई इन्वेंशंस हुई तो नए लफ्ज जो हैं लैंग्वेज के अंदर एंटर हुए, लोगों का बोलने का स्टाइल भी बदला क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे थे, वॉयज इख्तियार कर रहे थे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे थे। फिर जब 20वीं सेंचुरी आई तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने काम बदल लिया, फर्डिनेंड डिसॉर्शन लैंग्वेज के अंदर आ गए जिन्होंने बताया कि लैंग्वेज के अंदर साइन और सिग्निफायर का जो रिलेशन है वो आर्बिट्रेरी है। इसके बाद उन्होंने बताया कि स्पीच और लैंग्वेज दोनों डिफरेंट है, लिखने में मुख्तलिफ और बोलने में मुख्तलिफ है। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो बहुत सारी जैसे फर्डिनेंड डिसॉर्शन की ही कंट्रीब्यूशन के बाद हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स ने जान पकड़ी और एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर लोग आज इसको पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स, इसी के अंदर मास्टर या एमए करते हैं ताकि सिर्फ लैंग्वेज को हिस्टोरिकली वो स्टडी कर सकें। अगर हम ये देखें कि प्रिंसिपल्स क्या यूज़ होते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर या कौन से प्रिंसिपल के तहत इर्द गिर्द ये हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स घूमती है तो हमें पता लगता है कि ऑल लैंग्वेज आर इन कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस ऑफ चेंज। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का एक प्रिंसिपल है कि लैंग्वेज मुसलसल चेंज के अंदर है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है लैंग्वेज बदलती है। इसके अलावा ये है कि लैंग्वेज जो है वो मुसलसल मॉडिफाई हो रही है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि वो इन्फ्लुएंस्ड है सोसाइटी से और कल्चर से। इसके बाद बताया जाता है कि लैंग्वेज एक सिस्टम है, इसके अंदर जो चेंज आते हैं वो भी रेगुलर और सिस्टमेटिक हैं और वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, रिटन भी और कम्युनिकेशन भी। लैंग्वेज सिर्फ कल्चर से रिलेटेड नहीं है बल्कि लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल फैक्टर्स। लैंग्वेज इंटर रिलेटेड है सोसाइटी के साथ, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसके अलावा लैंग्वेज का सिस्टम जो है वो इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। जो कंट्रीज ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती हैं, जो दुनिया पे छाई हुई हैं जैसे चाइना और अमेरिका, उनकी लैंग्वेज लोग ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं और ये चेंज वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि लैंग्वेज के अंदर चेंज किस तरीके से आता है, रीजंस क्या हैं। नॉन स्पेशलिस्ट यानी कि लोकल लोगों ने कहा कि लैंग्वेज के अंदर चेंज इस वजह से आता है क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया लोगों का चेंज होता है तो लैंग्वेज में चेंज आ जाता है। कुछ ने कहा कि लैंग्वेज जो है वो वक्त के साथ साथ उसके इंटरनल वर्ड एनाटॉमी बदलती रहती है, जैसे कि पिज़्ज़ा वर्ड आ गया, कोई और वर्ड आ गया तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसके अलावा एक और रीज़न ये आई कि लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं लैंग्वेज को प्रॉपर यूज़ करने के लिए, जैसे कि हमारी जो किताबों के अंदर उर्दू इस्तेमाल होती है, किताबों में हिंदी इस्तेमाल होती है, आम ज़िंदगी में लोग वो हिंदी या उर्दू नहीं बोल रहे होते तो लोग बहुत लेज़ी हैं, प्रॉपर लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स के जो लोग थे उन्होंने रीज़न दी कि फंक्शनल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल यानी कि साइकोलिंग्विस्टिक्स के चेंजेस आते हैं और सोशियो लिंग्विस्टिक्स के चेंजेस आते हैं, जिनको फर्दर डिस्कस किया गया कि किस तरीके से डिटेल के अंदर चेंजेस आते हैं।
अगर हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के एम को देखें और स्कोप को देखें तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये स्टडी किया जाता है कि लैंग्वेज के अंदर जो चेंज आता है उसके अंदर रिटन डाटा को एनालिसिस किया जाता है, या लैंग्वेज के अंदर पहले चेंज किस तरीके से आया इसकी कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन की स्टडी की जाती है। इसके अलावा ये स्टडी किया जाता है कि जो इस वक्त स्टिल लैंग्वेज जो चेंज के अंदर मौजूद है तो कौन कौन से चेंज आ रहे हैं। इसके अलावा डील किया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन लैंग्वेज के अंदर इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि क्यों लैंग्वेज चेंज होती है, किस तरीके से चेंज होती है, और चेंज आया है तो कौन सा चेंज आया है। ये सारी चीज़ें हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो चेंज आते हैं उसके अंदर एक चेंज है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव वो वर्ड हैं, वो वोकेबलरी के वर्ड हैं जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे वर्ड पिज़्ज़ा उर्दू ज़बान का भी लफ्ज़ है, मतलब उर्दू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इटालियन लैंग्वेज से निकला है। इंग्लिश के अंदर भी पिज़्ज़े को पिज़्ज़ा ही कहा जाता है, तो ये ऐसा वर्ड है जो 2 से 3 लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। डायलेक्ट की वजह से चेंज आता है लैंग्वेज के अंदर। डायलेक्ट की वजह से कैसे चेंज होते हैं, जब लोगों का जियोग्राफिकल एरिया बदलता है या रीजनल एरिया बदलता है, एरिया बदलने की वजह से जो लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आते हैं वो डायलेक्ट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा मेटोनिमी और मेटाफर भी यूज़ किया जाता है। मेटाफर सिमिली ये वो फिगर ऑफ स्पीच हैं जो लैंग्वेज को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं और लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं। मेटोनिमी सिंगल वर्ड जब किसी बड़ी सी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसको मेटोनिमी कहते हैं। सेमेंटिक नैरोइंग यानी कि मतलब आप किसी और लैंग्वेजेस से, सेमेंटिक नैरोइंग से मुराद ये है कि बहुत सारे जो वर्ड होते हैं उनका बड़ा जनरल सा मीनिंग होता है, तो अगर हम उनको सिचुएशन वाइज स्पेसिफिक कर दें तो वो सेमेंटिक नैरोइंग में आता है। इसी तरह ग्रामेटिकलाइजेशन भी चेंजेस लेके आता है। जैसे कि पहले बोला जाता था आई वॉन्ट टू डू दैट, ये लफ्ज़ बोला जाता था, और अब इस्तेमाल किया जाता है आई विल डू दैट। स्पीकर जो है वो भी स्पीच को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, वो स्पीकर इवैल्यूएशन के अंदर आता है। वर्ड बोरोइंग, हम डिफरेंट लैंग्वेज से जो वर्ड लेते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, इस तरह ये वर्ड बोरोइंग के अंदर आता है। और अगर हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगा दें तो भी लैंग्वेज के अंदर चेंज आता है। इसके अलावा ग्रामेटिकल चेंजेस आते हैं लैंग्वेज के अंदर, साउंड के चेंजेस आते हैं, सिंटैक्टिक चेंजेस आते हैं, और फिर इसके अलावा वोवल के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है, कॉन्सोनेंट के अंदर फोनेटिक चेंज आ रहा है, तो ये सारे चेंजेस मैंने PDF के अंदर दिए हुए हैं, आप इनको आराम से स्टडी कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ दिए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है वीडियो तो इसको लाइक कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोट्स PDF दिए हुए हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।